दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द बिहार टॉप पे। मैं रत्नेश पांडे हूँ। देखिए, बिहार में पुलिसिया व्यवस्था और खासतौर पे पटना पुलिस की पुलिसिया व्यवस्था पर एक बार फिर से प्रश्न खड़ा हो गया है। बिहार की राजधानी पटना से सटे बिहटा में एक 12 वर्षीय तुषार नाम के लड़के की अपहरण होती है। अपहरण के 12 दिन बीतने के बाद कल उसका शव बरामद होता है। ये पटना पुलिस की नाकामयाबी है, जिस वजह से एक परिवार ने अपने बेटे को, इकलौते बेटे को खो दिया है। परिवार में तुषार इकलौता बेटा था और इसके 6 बहनें थीं और पटना पुलिस को सुराग नहीं मिल रहा था। कितनी बड़ी नाकामयाबी है एक 12 वर्षीय तुषार नाम के लड़के के अपहरण के बाद मौत का। बिहार में हाल के दिनों में अपहरण की वारदात काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई है। कई जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं और समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि अपहरण जैसी वारदात बिहार में एक बार फिर से शुरू हो गया है। 90 के दशक वाले बिहार फिर से उसकी तस्वीर आनी शुरू हो गई है। बिहार में पिछले 10 दिनों से तुषार नाम के लड़के की अपहरण हुई थी। परिवार वाले पुलिस के पास जाके थक चुके थे। पुलिस पता नहीं किस सुराग के चक्कर में पड़ी हुई थी कि उसकी हत्या हो जाती है। हालांकि तुषार के ही फोन नंबर से उसके व्हाट्सएप पर मैसेज आता है और मम्मी पापा के पास में, यानी कि परिजनों के पास में मैसेज आता है, फिरौती मांगी जाती है। पटना पुलिस किस सुराग के चक्कर में लगी हुई थी कि एक मासूम की हत्या कर दी गई और पटना पुलिस को जानकारी ही नहीं गई। एक परिवार जो कि इकलौते बेटे को खो चुका है, पूरे परिवार में मातम है, माँ के आंसू रुक नहीं रहे हैं। इस माँ के आंसू का हिसाब क्या पटना पुलिस देगी? डीजीपी आरएस भट्टी लगातार कहते हैं कि हम अपराधियों को दौड़ाएंगे, लेकिन यहाँ तो पाला उल्टा ही पड़ रहा है। बिहार के अपराधी खुद डीजीपी के पुलिस को दौड़ा रहे हैं। बिहार के पटना पुलिस नाकामयाब हो गई है अपहरणकर्ता को पकड़ने में। अब देखिए क्या होगा। पटना पुलिस अपहरणकर्ता को अब पकड़ेगी, चूंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से तुषार की खोज बंद की जा रही थी, लेकिन तुषार का कोई सुराग नहीं मिला और कल जब उसकी हत्या हो गई तब अपराधी को पकड़ा गया है। पटना के बिहटा से 12 साल के तुषार की हत्या के बाद पूरा परिवार गम में डूबा है। पिता सिर पीट रहे हैं, माँ के आंसू थम नहीं रहे हैं, 6 बहनें अपने इकलौते भाई को खोने के सदमे में हैं। पूरे परिवार में मातमी सन्नाटा पसरा है। कई मंदिरों में मत्था टेकने के बाद तुषार का जन्म हुआ। पूरे परिवार ने इकलौते बेटे का जन्मदिन 14 दिन पहले ही बड़े धूमधाम से मनाया था। 2 मार्च को तुषार का बर्थडे था। टीचर, पिता राजकिशोर, माँ और 6 बहनों ने मिलकर अपने इकलौते बेटे और भाई के बर्थडे को खास तरीके से सेलिब्रेट किया। तब परिवार में किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि महज 2 हफ्ते के बाद उसकी सारी खुशियाँ गम में बदल जाएगी। आपके स्क्रीन पे ये तस्वीरें चल रही होंगी जो पूरा परिवार परेशान है, रो रहा है। उनके पिता किस तरीके से, किस हालत में है, ये भी आप अपने स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे होंगे। परिजन जो हैं वो बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रही हैं। तुषार का अपहरण 16 मार्च की शाम हुआ था। तुषार को पहचानने वाले टीचर मुकेश कुमार ने व्हाट्सएप कॉल करके बहन के बारे में बताने के नाम पर अपनी कोचिंग में बुलाया, वहीं से उसका अपहरण किया, फिर उसे सिकुंदरीपुर गाँव ले गया। 1.5 घंटे के अंदर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, इतने से मन नहीं भरा तो चाकू भी मार दिया। एसएसपी राजीव मिश्रा के अनुसार तुषार और उसकी 2 बहनें आरोपी टीचर मुकेश के स्कूल में पढ़ाई कर चुके हैं। इस कारण वो तुषार के परिवार को अच्छे से जानता था। उसे पता था कि तुषार के पिता के पास प्रॉपर्टी है, रुपया मांगने पर मिल जाएगा। इस वजह से 10 मार्च की शाम 6:30 बजे के करीब मुकेश ने तुषार के नंबर पर व्हाट्सएप कॉल किया, उसे मिलने के लिए बुलाया, फिर उसके साथ ESIC हॉस्पिटल साथ लेके गया। भरोसे की वजह से मासूम बच्चा चला भी गया गया। करीब 1 घंटे के बाद घूमने के बाद टीचर अस्पताल के पीछे सुनसान इलाके में सबसे पहले बच्चे का गला दबाया। तुषार मर चुका था, फिर भी कंफर्म करने के लिए चाकू से वार किया, उसके पेट में चाकू घोंप दिया गया। और अब देखिए, उसे जो है वो जलाने की भी कोशिश की गई है। किरोसिन तेल छिड़क कर जलाने की कोशिश की गई है। तुषार की हत्या के बाद वेस्ट बोरिंग केनाल रोड के एक लॉज में वह रह रहा था, वहीं से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। उसके बाद तुषार का मोबाइल भी बरामद किया गया।
हत्या के बाद तुषार के शव को चादर से लपेटकर खेदलपुर गांव सुनसान जंगल में ले गया। वहीं पर पेट्रोल डालकर और सीमेंट के बोरे में जलाकर वहां से भाग गया। अगले दिन शौच करने जा रहे ग्रामीणों की नजर अधजले शव पर निकलते हुए धुएं पर पड़ी। लोगों ने पुलिस की इसकी जानकारी दी। जले हुए शव के पास चॉकलेटी कलर की चादर, जले हुए सीमेंट के बोरे और माचिस की डिब्बी बरामद हुई। पुलिस को जब जली हुई लाश मिली तब आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें कई जगहों पर लगे सीसीटीवी में मुकेश की संदिग्ध स्थिति में गतिविधियां देखी। फिर उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया। अब देखिए कितनी बड़ी नाकामयाबी है जिस तरीके से तुषार नाम के लड़के की हत्या हुई है, और पटना पुलिस इधर अभी खोज ही रही थी और उसका शव बरामद होता है। ये नाकामयाबी ही एक तरीके से कह सकते हैं कि अपहरणकर्ता खुलेआम घूमते हैं बिहार में। अपहरण जैसे वारदात अब शुरू हो चुकी है कि किस तरीके से लगातार अपहरण पे अपहरण होते जा रहे हैं, और बिहार पुलिस हाथ पर हाथ दड़े बैठी हुई है। डीजीपी आरएस भट्टी लगातार कहते हैं कि हम अपराधियों को दौड़ा रहे हैं, लेकिन अपराधी तो खुद बिहार पुलिस को दौड़ा रहे हैं। क्या पटना पुलिस इस माँ के आंसू का हिसाब देगी? ये एक बड़ा प्रश्न उठता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।